हेलो वेलकम बैक फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल उमेश गुरु शॉर्ट में। आज की इस वीडियो में मैं आपको बात करूंगा कि आप ड्यूट वीडियो को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ड्यूट वीडियो भी आपका फेसबुक पेज पे और यूट्यूब चैनल दोनों जगह मोनेटाइज हो जाता है। यहाँ पे देखिए, मैं एग्जाम्पल में आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए कि ये बंदा है जो है ड्यूट वीडियो बना रहा है और ये फेसबुक पे काम कर रहा है। यहाँ पे इसके फॉलोअर्स को आप देख सकते हैं यहाँ पे, और इसके वीडियोस को भी मैं नीचे स्क्रॉल करके दिखाऊंगा कि यहाँ पे देखिए इसके वीडियोस को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए 13 मिलियन जो है 2 सप्ताह पहले ही इन्होंने वीडियो दिया है और 13 मिलियन जो है इसके व्यूज़ आ गए हैं। और ये बंदा को मैं इसके वीडियो को प्ले करके दिखाऊं तो यहाँ पे ये बंदा कुछ भी नहीं करते हैं, बस यहाँ पे इस वीडियो को बैठ के कैमरा के सामने देखे कि ये बंदा बैठ के कैमरा के सामने इस वीडियो को देख रहा है। बस यहाँ पे मिनट की बात करें तो यहाँ पे देखे 1 मिनट 17 सेकेंड का ये वीडियो है, और बस इस ये पूरे वीडियो में कुछ भी नहीं किया है। यहाँ पे खुद यहाँ पे बैठे हुए हैं और इस वीडियोज़ को वॉच कर रहे हैं। तो कहने का मतलब फ्रेंड्स कि आप इस तरह का वीडियोज़ बना के अपने फेसबुक पेज पे भी अपलोड कर सकते हैं और यूट्यूब चैनल पे भी अपलोड कर सकते हैं। मैं यूट्यूब का भी एग्जाम्पल आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। यहाँ पर दिखाऊँगा कि ड्यूट वीडियो मैं यहाँ पर दिखाऊँगा कि मोनेटाइज है या नहीं। यहाँ पर देखें, मैंने ड्यूट वीडियो यहाँ पर सर्च किया। यहाँ पर देखें कि ढेर सारा ड्यूट वीडियो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा जो मोनेटाइज है। यहाँ पे देखिए ये जो है वीडियो कॉल पे यहाँ पे बात हो रहा है, और इसके व्यू को अगर देखेंगे तो 1 मिलियन इसके व्यूज़ आ गए हैं। तो इस तरह का ड्यूट वीडियो अगर आप बनाते हैं, चाहे वो मूवीज़ पर हो या फिर कोई भी कंटेंट पर हो, कोई वायरल न्यूज़ पर हो, कुछ भी पर वीडियो हो, बस जो है वो वीडियो लीगल होना चाहिए। किसी का भी वीडियो हो, बस उस पर अगर आप अपना ड्यूट वीडियो फेस को लगा देते हैं तो वो वीडियो आपका जो है चल जाएगा और वो वीडियो वायरल भी हो जाएगा, और उस वीडियो को आप मोनेटाइज भी कर सकते हैं, क्योंकि उसमें आपने खुद मेहनत किया है, खुद का फेस लगा दिया है, तो वो वीडियो आपका डेफिनेटली यूट्यूब पर भी मोनेटाइज होगा और फेसबुक पेज पर भी मोनेटाइज होगा। मैं एग्जांपल के लिए एक छोटा सा वीडियो को एडिट करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए कि ये सॉफ्टवेयर आपको ओपन कर लेना है, या फिर कोई भी एडिटिंग सॉफ्टवेयर है उससे भी आप कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर देखे कि वंडर शेयर यहाँ पर ओपन किया। अगर आप फेसबुक के लिए एडिट करेंगे तो आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप फेसबुक के लिए इंस्टाग्राम वाला साइज़ रखें, इंस्टाग्राम वाला एस्पेक्ट रेशियो रखें। यहाँ पे मैं इंस्टाग्राम वाला एस्पेक्ट रेशियो को भी मैं आपको दिखाऊंगा कि कौन सा है। और यूट्यूब का तो आप जानते ही है, यूट्यूब का 90:20:1080 पिक्सल का जो है रेशियो होता है यूट्यूब के लिए। यहाँ पर मैं दोनों को दिखाऊँगा। अगर आप दोनों पर वर्क सेम वीडियो को डालना चाहें तो सेम वीडियो भी डाल सकते हैं, लेकिन बेटर रहेगा कि अगर इंस्टाग्राम की साइज़ को अगर फेसबुक पे डालते हैं तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ पे जैसे मेरे सॉफ्टवेयर यहाँ पे ये ओपन होता है, उसके बाद का प्रोसेस हम देखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये सॉफ्टवेयर यहाँ पे ओपन हो गया है। अब यहाँ पे क्या करना है कि कोई भी एक मूवी ले लेना है। मूवी लेने के बाद क्या करना है कि उसे यहाँ पर इस यहाँ पर ले आना है। यहाँ पर देखें, डबल क्लिक जब आप यहाँ पर करेंगे तो आप अपने फाइल मैनेजर में विजिट कर जाएंगे, जैसे कि मैंने किया। यहाँ पर देखें, अब एक मूवीज़ को मैं आपको ड्यूट बना के दिखाता हूँ, जो कि बहुत ही अच्छा खासा मूवीज़ है। अगर आपने भी इसको देखा होगा तो आप जानते ही होंगे इस मूवीज़ को। यहाँ पे देखें कि ये मूवीज़ यहाँ पे आ गया है। सबसे पहले यहाँ पे आपको जो है एस्पेक्ट रेशियो चेंज कर लेना है। यहाँ से यहाँ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद चेंज एस्पेक्ट रेशियो में जाएंगे, और यहाँ से जो है आप एस्पेक्ट रेशियो को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर देखें, यहाँ पर जो है ये साइज़ जो है 90:20:1080 पिक्सल 16:9, ये जो है यूट्यूब का साइज़ है। और इसको अगर फेसबुक के लिए आप बनाना चाहते हैं, क्योंकि फेसबुक पे जल्दी वीडियो वायरल होते हैं और यूट्यूब पे भी वायरल होते हैं, तो फेसबुक के लिए बनाने के लिए यहाँ पे डायरेक्ट आप चाहे तो इंस्टाग्राम का साइज़ ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए, इंस्टाग्राम का साइज़ को आप यहाँ पे देख सकते हैं, 1080:1080 करेंगे तो ये इंस्टाग्राम का साइज़ बन जाएगा। अब यहाँ पर हम ओके बटन पर क्लिक करते हैं। अब हमारा इंस्टाग्राम का कम्प्लीट हो गया। यहाँ प्लस बटन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए कि प्रोजेक्ट सेटिंग ये खुद पूछेगा। यहाँ पर देखें, ये है हमारा प्रोजेक्ट सेटिंग। अब इसी पे आपको क्लिक करके ओपन कर लेना है। देखिए, मैं इसे जूम आउट करता हूँ। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो अब देखिए ये इंस्टाग्राम का साइज़ का ये मूवीज़ बना हुआ है। अब क्या करना है, आपको बीच वाले पार्ट को कहीं से भी आप यहाँ से काटेंगे। मैं जैसे कि कोई अच्छा सा पार्ट को मैं काटूँगा जो देखने में आपको ज़्यादा अच्छा लगे, जो वायरल होता है। आप अच्छी तरह से देख ले पहले इस वीडियो को, जो भी अच्छा पार्ट लगता है आपको वो 10 मिनट का या फिर 2 मिनट का ही निकालना है, और उसी पे जो है अपना ड्यूट वीडियो बना देना। जैसे कि मैं यहाँ पे दिखाऊं कि यहाँ पे मैंने 5 मिनट का निकाला। देखिए, मैंने यहाँ पे 5 मिनट का निकाला। अब इसके ऊपर में क्या करना है कि ड्यूट वीडियो को लगाना है। देखिए, सबसे पहले इससे हम जो है पूरे टाइमलाइन में फिट कर लेते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इस तरह से चारों साइड में यहाँ पर देखेंगे कि ये सेलेक्ट हो जाएगा। अब सेलेक्ट हो गया है तो अब इसको स्क्रॉल करते हुए ऊपर कर लेना है। इसे भी हम
ऊपर करेंगे और थोड़ा सा जो है यहाँ से इसका जूम को भी बढ़ा लेंगे और अपना वीडियो को क्या करेंगे कि यहाँ पे साइड में इस तरह से इसको साइड में कर देना है आपको। अब ड्यूट वीडियो लगाने के लिए ड्यूट का जो है आधा आपका दिखना चाहिए, आधा मूवीज़ का दिखना चाहिए। देखिए जैसे फेसबुक में दिखाया था, आप चाहे तो यहाँ पे यूट्यूब के साइज का भी बना सकते हैं। अब क्या करना है कि आपको जो इस वीडियो को देखते हुए आपने पहले वीडियो को रिकॉर्ड करना है। जैसे कि मान लीजिए मैंने इस वीडियो को एग्जांपल में आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे एक वीडियो मैंने मेरे पास ऑलरेडी है, यहाँ पे देखिए ये मेरे पास ऑलरेडी ये वीडियो है। अगर इस वीडियो में मैंने कुछ बोला है तो भी उसको हटाना नहीं है आपको, बस क्या करना है कि उसके वॉल्यूम को आप चाहे तो कम कर सकते हैं या फिर वॉल्यूम नहीं भी है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे देखिए ये वीडियो थोड़ा यहाँ पे सॉफ्टवेयर स्लो हो गया है क्योंकि यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट है और यहाँ पे मैं इस सॉफ्टवेयर को भी ओपन कर लिया हूँ तो ये थोड़ा स्लो काम कर रहा है, तो थोड़ा हम वेट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे आ गया। अब क्या करना है कि यहाँ पे एक लेयर जोड़ लेना है आपको, यानी कि वीडियो ट्रैक यहाँ पे जोड़ेंगे राइट क्लिक करके। यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे वीडियो ट्रैक जोड़ेंगे और यहाँ पे इसे सेलेक्ट करेंगे पहले और इस वीडियो को यहाँ पे लाएंगे। देखिए ये वीडियो हमारा लंबा है तो क्या करेंगे कि ये वीडियो मैंने जहाँ से रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट किया वहाँ से पहले स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे देखिए यहाँ से मैं कट करके हटा देता हूँ। देखिए ये हम मैंने हटा दिया और लास्ट पोजीशन को भी मैं यहाँ पे कट करके हटा देता हूँ, ये भी हमारा हट गया। देखिए अब हमारा काम जो है अभी ख़त्म नहीं हुआ है, यहाँ पर इसे हटा देते हैं पहले। अब इस वीडियो को क्या करना है कि पहले सेलेक्ट करना है और इस वीडियो को ठीक उसी तरह से फिट करना है जैसे कि पहले इसे हम क्रॉप करेंगे। देखिए क्रॉप करने के लिए यहाँ पे आपको बटन दिख जाएगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस वीडियो को क्रॉप कर सकते हैं आप। यहाँ पे देखिए मैं इसे अच्छी तरह से यहाँ पे रेशियो में क्लिक करके कस्टम में यहाँ पे जाऊँगा और इसे जो है मैं छोटा सा क्रॉप करूँगा ताकि ये जो है फिट हो जाए अच्छी तरह से। देखिए अभी इसको मैंने क्रॉप कर लिया, अब ये हमारा क्रॉप हो गया है। देखिए अब अच्छी तरह से यहाँ पर फिट भी हो गया है। थोड़ा हम इसका जूम बढ़ा देते हैं और इसको क्या करेंगे कि इसको जितना भाग मैंने छोड़ा था इसका यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। देखिए कि ये वीडियो यहाँ तक है तो यहाँ से यहाँ तक हम इसे फिट कर देते हैं। देखिए फ्रेंड्स अब ये हमारा काम जो है कंप्लीट हो गया है। अब इसी तरह से आपको कर देना है। अगर आपको यहाँ पे मैंने यहाँ पे बोला है तो बस आपको बीच बीच में बोलना है, थोड़ा थोड़ा बोलना है और यहाँ पर इसका वॉइस को रहने देना है ताकि लोग उसे देखें। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे एडिट किया बस इसी तरह काम होता है। बस इसका मैं यहाँ पे अभी आवाज़ को म्यूट कर देता हूँ या फिर इसकी आवाज़ को मैं कम करूँगा। यहाँ पे देखिए एडजस्ट ऑडियो में जाएंगे हम और यहाँ पे जो है इसके आवाज़ को मैं जो है बहुत ही कम कर देता हूँ, -70 मैंने यहाँ पे 17 यहाँ पे कर दिया और यहाँ पे ओके बटन पर क्लिक करेंगे। अब जो क्या हुआ कि इसका आवाज़ पूरी तरह से कम हो गया है और एक बार मैं इसको प्ले करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखें कि मैं इसका वॉल्यूम को कम कर देता हूँ। यहाँ पे देखें, देखिए अब ये वीडियो कुछ इस तरह से दिखेगा। लोग जो यहाँ पे मेरे इस वीडियो में विजिट करेंगे तो उसे इस तरह से दिखेगा तो लोग इसे डेफिनेटली देखेंगे क्योंकि लोग देखेंगे इस वीडियो को और साइट में मेरा ये वीडियो लगा हुआ तो ये जो है कॉपीराइट से बचने के लिए है। अब ऐसा इस तरह से लगाएंगे तो आपके वीडियो को कभी भी कोई भी कॉपीराइट नहीं मार सकता, ना ही यूट्यूब पर मार सकता, ना ही आपके फेसबुक पेज पर ही मार सकता है। तो फ्रेंड्स इस तरह का आप वीडियो बना सकते हैं जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बता दिया कि इस तरह से आपको बनाना है वीडियो को। यहाँ पे मैं वॉल्यूम को फिर से इंक्रीज कर देता हूँ और फिर यहाँ पे इस एक्सपोर्ट बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए इस एक्सपोर्ट सबसे ऊपर में आपको दिख जाएगा। यहाँ पर जब क्लिक करेंगे तो ये वाला ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर MB देख सकते हैं कि 212 MB का ये बनेगा। टाइम देख सकते हैं, यहाँ पर फ्रेम रेट देख सकते हैं, यहाँ पर साइज देख सकते हैं, यहाँ पे जहाँ पे आप सेव करना चाहते हैं वहाँ का सिलेक्शन यहाँ से कर सकते हैं आप उस फाइल को। यहाँ पे इसके नेम को आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको एक्सपोर्ट बटन पे क्लिक करना है तो ये एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि देखें मैं यहाँ पे एक्सपोर्ट करूँगा। अब इस वीडियो को हम कहीं भी यूज कर सकते हैं, चाहे यूट्यूब हो, फेसबुक हो, कहीं भी यूज कर सकते हैं। ये वीडियो डेफिनेटली हमारा मोनेटाइज होगा। तो मिलते हैं एक पावरफुल एजुकेशनल वीडियो के साथ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और खुद के कंटेंट पे अगर काम करना चाहते हैं यूट्यूब में चाहे फेसबुक पर तो हमें डेफिनेटली कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको कंटेंट का आइडिया दूंगा। तो मिलते हैं एक पावरफुल एजुकेशनल वीडियो के साथ। तब तक मेरे इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। हो सके तो आप अपने दोस्तों में शेयर भी कर सकते हैं जिसे आपको कंटेंट आइडिया देना हो तो इस आइडिया को उसको उसके पास शेयर भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक पावरफुल एजुकेशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।